आज मैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए वॉल स्टिकर लाई हूँ और मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको स्टिक करते हैं और अपने खाली स्पेस को आप एक नया लुक दे सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो फिर मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। और इसमें नंबरिंग दी हुई रहती है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर है, तो पहले हम लोग नंबरिंग वाइज ही इसको स्टिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाले को निकाल रही हूँ और फिर आप जिस भी जगह पे इसको स्टिक करना है वो पहले से डिसाइडेड रहेगा और वॉल को अच्छी तरह से आप धूल वगैरह जो रहे उसकी सफाई कर दें, अदरवाइज ये स्टिक होने में प्रॉब्लम करेगा। और इस तरह से मैंने पहला वाला स्टिक कर दिया है और ये देखिए, और इसमें थोड़े से बबल्स आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा एक बार में वो अच्छी तरह से स्टिक हो जाए और उसके पूरे बबल्स को हम लोग निकाल देंगे। फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर आप देख रहे हैं, वो सेकेंड नंबर हम निकालेंगे और फिर जहाँ से इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट रहेगा फर्स्ट नंबर के बाद, वैसे मिलाते हुए हम लोग स्टिक करेंगे। और अगर आपको अकेले इसको स्टिक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने छोटे भाई की हेल्प ले रही हूँ। और ये पूरा जो प्रोसेस है इसको असेंबल करने का, उसमें वो पूरी तरह से मेरा हेल्प किया है। जहाँ भी मुझे स्टिक करने की ज़रूरत पड़ी है, पकड़ने की ज़रूरत पड़ी है, हर जगह वो, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था मुझसे स्टिक होने में और बबल्स रह गए थे, हालांकि मैंने उसे ठीक कर दिया है ऑलमोस्ट 90%, फिर भी 10% इसमें थोड़ा सा रह गया है। तो आप अच्छे से स्टिक कीजिएगा। और इसी तरह से फिर मैंने थर्ड नंबर को स्टिक किया है और इसी तरह से फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सब जगह नंबरिंग की हुई रहती है, उस हिसाब से हम लोग निकालते जाएंगे और स्टिक करते जाएंगे। जब तक मैं पूरा स्टिक करती हूँ, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आप भी अपने वॉल को डेकोरेट करना चाहते हैं तो इस तरह से बहुत ईजी है, बहुत कन्वीनियंट है इसको लगाना। आप इसे ऑर्डर करें, मंगवाएं, या फिर आप अपने लोकल मार्केट से लाएं और इसको लगा सकते हैं। बारी बारी से मैं इस तरह से स्टिक करती जा रही हूँ और इसको स्टिक करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा है, करीब 10 मिनट से 12 मिनट में ये पूरा स्टिक हो गया है। और ये मैं पहली बार कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो आप आराम से कर सकते हैं इसे। बस बबल्स ना रहें उसी का ध्यान रखना है और अच्छे से स्टिक करके हम इस पर फिर से एक बार अच्छे से इसको बबल्स को निकाल देंगे और स्टिक करेंगे। इसको किस तरह से स्टिक करना है इसका एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा, इसके एंड पे बना हुआ रहता है कि आपको ये बनने के बाद ये कैसा दिखेगा, बस उसी हिसाब से आपको स्टिक करते जाना है। बचपन में मुझे ड्राइंग करने का और स्केच करने का बहुत ही शौक था, तो मैं जगह जगह पेपर्स पे ड्राइंग्स बनाती रहती थी, साथ में अपने वॉल पे भी बनाती रहती थी। हालांकि बचपन में मुझे बहुत डांट लगती थी वॉल पे पेंटिंग करने के लिए, क्योंकि मम्मी लोग बोलती थी कि पूरा घर गंदा कर रखा है तुमने, बट फिर भी बनने के बाद वो एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता था। और ये तो खैर कमाल की चीज़ है, आप अगर ड्राइंग और स्केचिंग नहीं भी जानते हैं और अपने वॉल के किसी भी स्पेस, खाली स्पेस को एक नया लुक देना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, ईजिली आप इसे अपने वॉल पे बना सकते हैं। और इसकी प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल रहती है, कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं और हमें इसे स्टिक करने के लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसे भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, आप ईजिली खुद से इसे लगा सकते हैं। आप में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर वालों से अपने दीवारों को गंदा करने के लिए, सो कॉल्ड जिसे हम लोग अपने नज़र में स्केचिंग या फिर ड्राइंग कहते थे, जो वो हमारे लिए आर्ट था बट उनके लिए तो घर गंदा करना ही था, उसकी वजह से अपने घर वालों से डांट सुनाया, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। सो ये पूरी तरह से स्टिक हो गया है और कैसा लगा आपको? मुझे तो ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।